होम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नाश्ता। नाश्ते के लिए आज हम लोगों ने इसका नाम दिया हुआ है झटपट मुगलाई। इसके लिए जो सामग्री हमको चाहिए वो है मैदा या आटा, हरी मिर्च छोटे छोटे टुकड़े में कटे हुए, प्याज, टमाटर बारीक कटे हुए, सरसों का तेल या फिर कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं, नमक, अंडे और थोड़ा सा खाने का सोडा। चलिए बनाना शुरू। इसके लिए सबसे पहले आप कढ़ाई बिठा लें और उसमें तेल डाल लें। हम लोगों को एक एक करके ही इसको फ्राई करना है, तो बहुत ज़्यादा तेल की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और उसको बनाएंगे। जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, एक आप कोई भी बर्तन ले लें और उसमें आप डाल लें 2 चम्मच मैदा या फिर आटा, जो भी आपके पास। एक उसके लिए जितना नमक की आपको आवश्यकता है, चुटकी भर खाने का सोडा, ये सबको एक साथ कर ले। अब इसमें हम लोग मिला लेंगे अंडे को। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें आप थोड़ा सा पानी मिला लें। आप चाहे तो इसके बदले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कर लें। ये देखिए, ये बन गया है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे कुछ टमाटर, कुछ प्याज ऐसे पतले कटे हुए, प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची, और इन सबको भी इसी के साथ मिला लेंगे। इस बीच हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। चलिए अब इसको हम लोग इस तेल के अंदर डाल देते हैं। अब इस घोल को हम लोग तेल के अंदर डाल लेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक तरफ का अच्छे से हो गया है। जब ये एक तरफ अच्छे से पक जाए, जब ये कढ़ाई छोड़ने लगे, तो आप इसको पलट दीजिए दूसरी तरफ के लिए, और दूसरी तरफ को भी अच्छे से इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये ऊपर से फ्लफी होने को आया है, तो मतलब ये पीछे से भी अच्छे से सिका गई है। अब हम लोग इसको निकाल लेंगे। ये लीजिए, बनके तैयार है। इसी तरह से हम लोग बाकी का भी सेक के निकालेंगे। इसी तरह से आप बाकी बनाएं और नाश्ते में गर्मा गर्म इसको परोस सकते हैं, चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ, जो स्कूल के बच्चे हैं या फिर टिफिन में भी दे सकते हैं उनके, या फिर जो अकेले रहते हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नाश्ता बनाने में दिक्कत होती है, झटपट आप ऐसे बना के आप नाश्ते में खा के निकल सकते हैं, टिफिन में भी ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो नए विजिटर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।